सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आपको कि मेन के लंबे हेयर्स कैसे बनाने हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो सब लड़के अपने बाल बड़े कर रहे हैं, चोटी बना के रख रहे हैं, बट अब जब स्केच बनाने की बारी आती है तो वो बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आज कैसे बनाने हैं आपको। तो आप चलो बिना टाइम वेस्ट करिए इस वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आउटलाइंस कर लेनी है एंड मैं एक पेपर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि जो शेड है वो मेरे हाथ से बिगड़े ना। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। एंड फिर मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ लाइट लाइट हेयर्स ड्रॉ करने के लिए। तो जैसे कि हम फेस में करते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। लाइट लाइट हेयर्स सबसे पहले ड्रॉ करेंगे HB पेंसिल से। तो बस आपको देखते जाना है अपने रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग कि उसमें कैसे हेयर्स बना रखे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। एंड जहाँ डार्क है वहाँ थोड़ा सा डार्क, एंड जहाँ लाइट है वहाँ थोड़ा सा कम प्रेशर लगा के यूज़ करनी है आपको HB पेंसिल भी। मेरे पास यहाँ कोई पेंसिल एक्सटेंडर नहीं है तो मैं छोटी पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आपकी पेंसिल कुछ ज़्यादा ही छोटी है तो ढक्कन का यूज़ कर लेना। पेंसिल एक्सटेंडर में आई थिंक पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पता है, यहाँ मज़े की बात यह है कि मैं आप लोगों को खुद बोल रही हूँ एक्सटेंडर मत खरीदना, और मैं खुद कल मार्केट गई थी एक्सटेंडर लेने के लिए बट मुझे मिला ही नहीं, तो इट्स ओके यार, पोपट हो गया। तो बस मैं उसी डायरेक्शन में हेयर्स बना रही हूँ यहाँ पर। एंड नीचे के हेयर्स थोड़े से डार्क है तो मैं ज़्यादा प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। एंड सबसे पहले हमने आउटलाइंस बनाई ली थी कि कहाँ कहाँ हेयर है, तो हमको पता चल गया था। तो बस अभी एक बार ऐसे ही HB पेंसिल से उस साइड भी करेंगे हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। एंड यहाँ पर बहुत डार्क एरिया है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड 6B पेंसिल से डायरेक्ट मैंने डार्क कर दिया है, यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दिख ही नहीं रहा इसलिए। आई नो बहुत ज़्यादा मैंने फास्ट बोल दिया, बट आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना इससे वीडियो की। मैं देखा स्केच की वीडियो लोग देखते ही नहीं, ऐसे स्पीड बढ़ा के देखते हैं। तो अब यहाँ मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, एंड जो हमने HB पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाए थे उसी के ऊपर मैं 6B पेंसिल से अब स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ। तो ये आपको अपने रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग देख के करना पड़ेगा, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर लाइट है। जहाँ लाइट हो वहाँ ऐसे ही छोड़ देना, बाद में हम उसको हाईलाइट करेंगे, बट जहाँ डार्क हो वहाँ 6B पेंसिल से ऐसे स्ट्रोक्स ही लगाने हैं आपको। एकदम घिस मत देना डार्क डार्क, बस ऐसे स्ट्रोक्स लगा लेना। तो अब मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही HB पेंसिल से ही मैं स्ट्रोक्स लगा रही हूँ, तो वो साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे लाइट डार्क करके। जैसे कि जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगाना है, कहाँ कम प्रेशर लगाना है वैसे। एंड देन उसके ऊपर भी हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो बहुत इजी है, सेम प्रोसेस ही रहता है। एंड पूरे YouTube पे किसी ने नहीं बताया कि बन कैसे बनाना है स्केच में। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये कैसे बनाते हैं, मतलब अलग अलग हेयर स्टाइल्स होती है ना हर स्केच में, तो उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो कुछ नहीं है, सबसे सेम प्रोसेस ही रहता है, तो मैंने आज आपको बता दिया ऐसे करना है। जहाँ डार्क दिख रहा है वहाँ मैं डायरेक्टली 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले, एंड जहाँ और भी ज़्यादा डार्क है वहाँ 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने डायरेक्ट 6B पेंसिल का यूज़ किया है, यहाँ मैंने पहले HB का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये बहुत डार्क पार्ट है। तो अब जहाँ जहाँ डार्क पार्ट दिख रहा है मैं उसको वापस से अच्छे से स्ट्रोक्स लगा रही हूँ वहाँ पर।
तो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्लेंडिंग का। तो हेयर्स के लिए कभी भी ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा हेयर के लिए ब्रश का ही यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ईजीली हो रहा है ये, एंड इसके बाद काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक लुक आने लग जाता है आपके स्केच पे। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो उससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ईजीली एकदम, ज़्यादा प्रेशर कर लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हमारे पास 0.7 की पेन पेंसिल है, नॉर्मल पेन पेंसिल है ये। तो जो फोरहेड पे हेयर्स आते हैं ना, वो मैं इस पेंसिल से बनाऊंगी, एंड इसको ब्लेंड नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखना कि जहाँ थोड़े से बाहर हेयर्स निकल रहे हैं या फोरहेड पे आ रहे हैं, तो वो इस पतली पेंसिल से ही बनाना आप, ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आप उसको भी ब्लेंड कर दोगे एंड 4B 6B पेंसिल से बना दोगे, तो वो बहुत अजीब सा लगेगा, बहुत गंदा लुक आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े हेयर्स यहाँ बाहर निकाल रही हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो हमको यहाँ पर हाइलाइट्स क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पहले से ही लाइट और डार्क का ध्यान रखा था। तो ऐसा आप भी कर सकते हो ईजिली। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।